अभी हम आपको सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ, पार्ट थ्री, चैप्टर थ्री का कल हमने बुक में कराया था डू एंड लर्न। आज हम करा रहे हैं का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दो या दो से अधिक शब्दों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है वाक्य। समूह शब्द क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य में हम टिक लगाए हैं, उसको आप वहां पर खाली जगह में भरेंगे, ठीक है। दूसरा, शब्दों का डैश, आमे कोई अर्थ नहीं होता, अनेक अर्थ होते हैं, कुछ न कुछ अर्थ अवश्य है। इसका क्या सही होगा? कुछ न कुछ अर्थ अवश्य है, उसमें टिक लगाए हैं, उसको आप लोग यहाँ पर भरेंगे। खामे रिक्त स्थान भरिए। वर्णों का क्रमबद्ध समूह डैश कहते हैं क्या है? शब्द। दूसरा में, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य वहां पर भरे हैं, नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं, आप भरेंगे अपनी बुक में। थ्री में है, डैश का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का क्या भरेंगे वहां पर? शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। फोर में है, दो या दो से अधिक डैश मिलकर शब्द बनाते हैं। क्या करेंगे हम वहां पर? वर्ण। इसको आप लोग बुक में बनाएंगे और कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे एजब रूम में। ओके, थैंक यू।